मलूक नागर साहब, कांग्रेस लीडर तो बार बार यही कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आप पास्ट की भी बात करिए ना, आप राजीव गांधी की भी बात करिए। ये सोच तो राजीव गांधी की थी, सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी तो आज बड़ी प्राउडली ये बात कह भी रही है ना कि इट्स आवर बिल, ये हमारा बिल है। तो क्या सिर्फ सोच लेना या बिल को लेकर आना ही काफी है एक सरकार के लिए? देखिये, ये तो कल इनका दिन था जब 75 सालों की पूरी लेखा जोखा और चर्चा हुई थी, जिसमें करीब 14-15 साल भाजपा के थे, 3-4 साल और के लगा लो तो करीब 55 साल के करीब इन्हें मिले थे। और ये अपने वहाँ गुणगान और अपनी जो उपलब्धियां थे पूरी तरह गिना सकते थे। अभी मैंने देखा जो हमारे भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के खास करके इतने उग्र लड़ने को तैयार हैं, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ इनसे कि उस समय बिल पास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमारी पार्टी और SP और RJD और कुछ अन्य पार्टियां पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन चाहते थे। तो आज क्या कांग्रेस की नीति इस पर स्पष्ट है कि जो 35% रिजर्वेशन हो रही है पिछड़ों के लिए और SC और ST के लिए, उसमें रिजर्वेशन चाहते हैं या नहीं? और भाजपा की प्रवक्ता से भी, नाजिया जी से भी, कि पिछड़ों के लिए इसमें रिजर्वेशन ये चाहते हैं और SC और ST के लिए अलग से, या पिछले तरह ये बिल फिर ठंडे बस्ते में जाएगा? ठीक है, पहले शाज़ी अल्मी जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा, कतई नहीं जाएगा, बावजूद आपकी कोशिशों के और आपके इस वक्तव्य से, जिससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग फिर से किसी तरह का गतिरोध लगाने की कोशिश करेंगे और कोटा विद इन कोटा की बात करेंगे। और बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी लगातार आपके इन हथकंडों पर चुपचाप रही है और आप पहले कभी बोला नहीं और अभी भी नहीं बोलेगी, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ जो रिजर्व सीट्स भी हैं और रिजर्व सीट्स में भी महिलाओं को ही आरक्षण दिया जाएगा और 33% का जो नंबर है वो 33% महिलाएं जो होंगी बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल से उभर कर आने वाली महिलाएं होंगी। और ये बहुत ही मुझे लगता है जरूरी है सोचना कि जो जैसे OBC के आरक्षण में और बाकी आरक्षण में एक क्रीमी लेयर का था, एक कॉन्सेप्ट रहा है जिसको हटाने की कोशिश की गई है। इस विधेयक जो अभी बिल अभी एक्ट बन जाएगा, इसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि वाकई में हकदार जो महिला है, जिसका कोई माई बाप नहीं है पॉलिटिक्स में, ना उसके पति, ना उसके पिता, ना उसके ससुर, उसको मौका मिलेगा जाने का आगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि, तो चिंता ये थी, बड़ी उपलब्धि अलमी जी कह रहे हैं सभी पार्टियां ऐसी महिलाओं को आगे करती हैं जिन्हें वो अपने हाथ की कठपुतली बना पाए, ऐसे लोग ऐसी महिलाओं को। ऐसा होता बिल्कुल सही कहा प्राची, इस पर मैंने बहुत काम किया है कि मेरा सब्जेक्ट है, तो या तो ऐसी महिलाएं जो कठपुतली की तरह काम करेंगी या ऐसी महिलाएं जो परिवार से हों। देखिए, एक वक्त था, मैं आपको बता दूं 10 साल पहले की बात है, राज्यसभा में सारी महिला MPs का अगर एक बार लेखा जोखा देखा लिया गया तो पता चला सारी की सारी MPs जो थी या तो बेटियां थी या बहुएं थी या बीवियां थी या विधवा थी किसी न किसी पावरफुल मेल पॉलिटिशियन की। तो अब ये देखिए, यही जरूरी है, यही बातचीत जरूरी है कि हम एक वो कहना नहीं चाहिए मुझे लेकिन राबड़ी देवी देवी सिंड्रोम ना हो कि पति जेल में है तो हम आगे चले गए, हम बन गए, है तो परिवार में ही सत्ता पूरी। तो इस पारिवारिक पारिवारिक के सोच और उसके अंदर जो सत्ता है उससे हटाकर इस सत्ता को डिसेंट्रलाइज करना, विकेंद्रीकरण करना, आम औरत तक ले जाना, एक एक औरत तक ले जाना, ताकि वो भी जो मुस्तहक है जिसमें नेतृत्व है। तो सिर्फ यहाँ पे महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है प्राची जी, यहाँ पे एक सशक्त और मजबूत महिला नेतृत्व की बनाने की तैयारी हो रही है जो लीड करेगी, विमेन लेड लीडरशिप, विमेन लेड डेवलपमेंट, औरतें जो लीड कर रही हैं, जो बाकायदा रोल में हैं। ये नहीं है कि भैया आप क्योंकि हमारे पति पॉलिटिक्स में हैं, ठीक, या हमारे ये पॉइंट ससुर हैं, भी उठाया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।